आज़ादी के साथ ही सावरकर को बदनाम करने की साजिश शुरू हो गई थी, और अगला नंबर विवेकानंद को भी बदनाम किया जा सकता है इस तरह से। देखिए, जो आरएसएस के सरसंचालक हैं जनाब मोहन भगवत, वो हमेशा आधा सच और पूरी झूठ बोलते। वो क्या मोहन भगवत साहब इस बात को भी डिनाई कर देंगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये कहा था कि महात्मा गांधी की हत्या हिंदू महासभा का फाइनेंशियल विंग ने किया, जो दामोदर सावरकर के मातहत काम करता था। ये सरदार पटेल ने कहा और लिखा भी, नंबर वन। दूसरा ये कि क्या वो इस बात का भी इनकार कर देंगे कि जस्टिस कपूर कमीशन ऑफ इंक्वायरी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सावरकर महात्मा गांधी की हत्या में कॉम्प्लिसिट है, कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है। तीसरा, क्या वो इस बात का भी इनकार कर देंगे कि सावरकर ने अंग्रेज़ों को कितने माफीनामे के ख़त लिखे, कि ये भी झूठ है। चौथा, क्या मोहन भगवत इस बात का भी इनकार कर देंगे कि 1939 में पूरे देश में आवाज़ चली थी कि पूरे मिनिस्टर रिज़ाइन करेंगे, क्या लिलिंगतो के साथ जाकर सावरकर ने नहीं कहा कि हम रिज़ाइन नहीं करेंगे और ये कहा था कि हम साथ देंगे। पांचवी बात, क्या मोहन भगवत इस बात का भी इनकार कर देंगे कि सावरकर ने यह कहा था कि हिंदू राजाओं ने मुस्लिम महिलाओं का रेप नहीं किया, रेप करना चाहिए था। छठी बात यह है कि क्या मोहन भगवत इस बात का इनकार कर देंगे कि सावरकर ने पितृभू और पुण्यभू की बात की कि फादरलैंड और होली लैंड। सावरकर तो ये कहते थे कि जो हिंदू है वही इस देश का सिटीज़न है, और जो नहीं है वो इस देश का सिटीज़न ही नहीं हो सकता, कि फादरलैंड होली लैंड की उन्होंने बात की। कितने एग्जाम्पल्स हम देंगे जिससे ये बात साबित हो जाती है ये कि ये लोग आज हिस्ट्री को तोड़ मोड़ के पेश कर रहे हैं। और एक वक्त ऐसा आएगा कि अगर ऐसा ही सिलसिला चलता रहा तो महात्मा गांधी को फादर ऑफ द नेशन हटाकर सावरकर को फादर ऑफ नेशन बना देंगे लोग। जो महात्मा गांधी के मर्डर ट्रायल में एक्यूज था और जस्टिस जी इंक्वायरी में उनको कॉम्प्लिसिट करार दिया गया, कितनी मिसालें देंगे हम? और ये तो झूठ बोल रहे हैं सब इसके बारे में। सर, आप इस बात के इत्तेफाक कि सावरकर दुश्मन नहीं थे मुस्लिमों के, जैसा कि मोहन भागवत साहब ने कहा कि वो उर्दू में पोएट्री करते थे, गजल लिखते थे, वो मुसलमानों के दुश्मन नहीं थे, उस तरह से उनको प्रोजेक्ट किया गया, क्या बात है, क्या मजाक है ये कि उस जमाने में तो अगर वो मोहन भगवत अगर पढ़ेंगे, महात्मा गांधी का FIR जो था हत्या का, वो पूरा उर्दू में लिखा गया था, तो क्या कहेंगे फिर? उर्दू में लिखा गया तो क्या बात कर रहे हैं? वो तारीख नहीं पढ़ते, अगर पढ़ के नहीं बोल रहे हैं या नहीं जानते हैं तो हम तो जानते हैं ना। महात्मा गांधी की हत्या का जो FIR था उर्दू में था, और सावरकर की उर्दू के बारे में क्या बोलते थे सावरकर? उर्दू को तो सब हिंदुओं ने, हर मजहब के लोगों ने उसको प्रमोट किया, सावरकर तो उर्दू के भी खिलाफ थे, वो तो रिकॉर्डेड फैक्ट है। क्या सावरकर ने नहीं कहा कि यहूदियों को जर्मनी में ब्लेम किया गया? उन्होंने कहा कि जर्मनी जो यहूदियों से, यहूदियों को ब्लेम किया उन्होंने, कि सावरकर ने बात नहीं कही। ये बात ये कौन सी मिसालें देंगे आपके? कितनी पूरी एक लंबी फेरिस्त है उनकी कि वो तो फैशिज्म और नाजिज्म को मानते थे सावरकर। सर, लेकिन आप बार बार चले गए, ये भी बात उन्होंने कही, जो विभाजन के बाद चले गए उनकी पाकिस्तान में कोई इज्जत नहीं है, लेकिन जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं वो अपने हैं, तो इस बात से आपको क्या तकलीफ होती है? वो तो सही बात बोल रहे हैं ना कि अपने। देखिए, यही तो हम बता रहे हैं आपको। एक तरफ मुंबई में अपनी तकरीर में कहते कि इस्लाम आया हमलेवारों की तरफ से, वो भी झूठ है, हमने बता दिया कि इस्लाम आया केरल में, जिस मस्जिद का फोटो मोमेंटो मोदी जी ने सऊदी अरब के बादशाह को दी। फिर दूसरी तरफ ये सावरकर की तारीफ करते हैं, सावरकर हिंदुत्व की आइडियोलॉजी में अपनी किताब में क्या लिखते हैं, फादरलैंड और होली लैंड। सावरकर की पूरी एक तारीख है, पूरा है ना। और फिर सावरकर महात्मा गांधी की हत्या में कॉम्प्लिसिट हैं, क्या उसको नहीं मानेंगे?
अगर जस्टिस कपूर कमीशन की इंक्वायरी को नहीं मानते तो फिर मैं चैलेंज करूं आरएसएस को, बताएं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की हत्या के बाद आपने कमीशन ऑफ इंक्वायरी मांगना था, चंद्रचूड़ कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनी। तो ये इनका ये तो आंखों में धूल झोंकने के आदी हैं लोग, और ये समझते हैं कि इस तरह से कवर अप करेंगे, इस तरह से आदि आदि सच और पूरा झूठ बोलेंगे तो देश एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा। सबसे तकलीफ दे बात मुझे बहसत पार्लियामेंटेरियन ये है कि पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में एक तरफ महात्मा गांधी की फोटो है और उसके राइट ऑपोजिट सावरकर की फोटो है, जिसको जस्टिस जीवनलाल कपूर कमीशन ने कहा था। अच्छा, ट्रायल में उनको कॉरोबोरेशन एविडेंस नहीं था तो एक्विट कर दिए, मगर क्या आप तस्वीर लगाएंगे गांधी की तस्वीर के सामने? क्या बताना चाह रहे हैं? बताना यही चाह रहे हैं कि देश को मैसेज दे रही है आरएसएस और बीजेपी कि अनखरीब में एक वक्त आने वाला है कि बापू फादर ऑफ द नेशन नहीं रहेंगे, सावरकर बन जाएंगे। सर, राजनाथ सिंह जी ने भी कहा कि रियलिस्ट आदमी थे सावरकर साहब। देखिए, राजनाथ सिंह यकीनन बीजेपी से उनका ताल्लुक है, संघ से उनका ताल्लुक रहा है और अभी भी है, मगर वो उनका जो एक परसेप्शन है अपोजिशन लीडर में कि भाई तो थोड़ा सुलझावा ठाकुर लीडर है ये, मगर अब तो झूठ बोल दिए, अब तो सुलझी भी बात नहीं कर रहे। महात्मा गांधी तो ये कहते थे कि जेल को जाना एक नॉन वायलेंट कर रास्ता है जेल को जाना, और वो शख्स माफीनामा लिखता है अंग्रेजों के लिए, अंग्रेजों से माफीनामा लिखते सावरकर, दूसरे क्यों नहीं लिखे जो काला पानी में थे? काला पानी में जाने के 8 महीने के अंदर सावरकर माफीनामा लिख दिए। तो राजनाथ सिंह इतनी झूठ क्यों बोल रहे हैं? इनके इस बयान के बाद तो उनको कोई सुलझावा नहीं मानेगा अभी, क्यों? हिस्टोरिकल फैक्ट है कि गांधी बोलते जेल जाओ, जेल भरो, और आप कह रहे हैं गांधी को से जोड़ रहे हैं, कहां कहां कहा गांधी, बताइए ना आपने, कितना तोड़ मोड़ के झूठ बोलते रहेंगे लोग। सर, अपोजिशन और अपोजिशन की जो रूलिंग स्टेट है उन पर बोला गया कि ये उनकी वजह से है, ऐसा कुछ नहीं है, गलत। क्या 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 जगन भी बीजेपी के पॉलिटिकल थिंकिंग में उनके खिलाफ है? आंध्र की हुकूमत, वहां पर पावर कट शुरू हो चुके हैं, ये कंप्लीटली प्लानिंग नहीं की, इनके इस गवर्नमेंट का लेजीनेस है और इनमें वो विजन नहीं है। सेकेंड वेव खत्म हुई जून जुलाई में, आपको प्लानिंग करना चाहिए था ना, आप प्लानिंग नहीं करते, आप सिर्फ इंपल्सिव काम करते हैं, आप सोते रहते हैं, जब अचानक क्राइसिस आपके सर पर गिरती, देश पर गिरती, तो आप खड़े हो जाते हैं, और हमेशा की आदत क्या है, दूसरों पे डाल दो। सुनिए, बिल्कुल गलत बात है। दिल्ली जो यूनियन टेरिटरी बना दिया आपने, उसको उसका क्या पावर प्रोड्यूस करता है? वो कहां से लेता पावर? वो कौन बनाता पावर दिल्ली का? ये एक फैक्ट है कि 135 जो कोल प्लांट्स हैं, 108 क्रिटिकली लो स्टॉक्स उनके पास है, और उसमें 28 जो है उनके पास तो सिर्फ एक दिन का स्टॉक है। आंध्र प्रदेश में लोड शेडिंग हो रही है, पंजाब में हो रही है, क्यों हो रही है भाई? आप प्लानिंग ही नहीं करते ना। जिस तरह आपने कोविड की फर्स्ट वेव आई, उस वक्त अगर आप वैक्सीनेशन की प्लानिंग कर लेते तो सेकेंड वेव में लाखों लोग नहीं मरते थे भारत में। तो आप प्लानिंग ही नहीं करते, आप एंटिसिपेट ही नहीं करते, आप में दूरंदेशी नाम की चीज ही नहीं है, आप में विजन ही नहीं है कि जब सेकेंड वेव के बाद जब इकोनॉमी खुलेगी तो जाहिर है पावर की डिमांड बढ़ेगी, इकोनॉमी खुल रही है, तो आपको तो विजुअलाइज ही नहीं किया ना आप। ये आपकी पॉलिसी है, तो हमेशा आपकी नॉन प्लानिंग की वजह से, आपकी गलतियों की वजह से इसका खामियाजा देश को भुगतना पड़ेगा, और खास तौर से रूरल एरियाज में पावर ही नहीं है, अर्बन एरियाज में फिर भी पावर मिल जाए, रूरल एरियाज में लोड शेडिंग हो रहा है हर जगह पर। सर, एक अंतिम सवाल, आपका जो आजकल फेवरेट स्टेट बना हुआ है, जहां आजकल आप बार बार जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में, और लखीमपुर खीरी का जो इंसिडेंट हुआ, उस पर आपका क्या कहना है? नहीं, यकीनन उत्तर प्रदेश भारत का हर चप्पा चप्पा हमारे लिए फेवरेट है, आप क्यों सिर्फ उत्तर प्रदेश को बना रहे हैं? लखीमपुर खीरी में हम पूछना चाहते हैं
आरएसएस के सरसंघ चालक से, ये क्या बता, इसके बारे में क्या बोलेंगे जो किसानों को गाड़ी से रौंद दिया गया, गाड़ी से रौंद दिया गया और मंत्री कहता है कि मेरी गाड़ी है और मंत्री अभी भी मंत्री बना बैठा रहेगा और इंसाफ भी होगा? ये सब इंसाफ नहीं होगा, ये आंखों में धूल झोंक रही है योगी सरकार और मोदी सरकार, क्योंकि अक्टूबर 20 को सुप्रीम कोर्ट में ये केस आएगा। आप क्या कर रहे हैं, मंत्री को हटाइए ना, वो लोग कहां हैं, वो जो दो लोग जिनको किसानों ने पकड़ कर दिया था, आपने उनको अभी तक प्रोड्यूस नहीं किया। तो पूरी तैयारी हो रही है इनको इनको बचाने के लिए, और जब तक वो मंत्री मंत्री पद पर रहेंगे, मुझे यकीन है कि जो किसान, पांच किसान मारे गए, उनसे इंसाफ नहीं होगा।